लाखों रुपए की पगड़ी और मासिक किराए पर मोबाइल टावर लगाने का लालच देकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का रायगढ़ पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। कोलकाता में फर्जी तरीके से बाकायदा कॉल सेंटर चलाकर ठगी का धंधा करने वाले इस गिरोह के 8 युवक और 14 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। जिले में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बाद कुछ दिनों से पुलिस झारखंड, बिहार, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में ऐसे साइबर बदमाशों का पता लगा रही थी। जांच में पता चला है कि कॉल सेंटर के संचालक के बैंक अकाउंट में कोई रकम नहीं रखता था। वह अपने परिचितों को धोखे में रखकर उनके आईडी पर बैंक अकाउंट खोलकर उनका एटीएम चेकबुक का इस्तेमाल कर रहे थे। सभी की जानकारी में है कि साइबर जो अपराध है उनमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, तो हम लोगों ने भी एक स्पेशल अभियान चला के पिछले हफ्ते हमारी कई सारी टीम जगह जगह रवाना की थी, जिसमें से एक टीम दिल्ली गई थी, कुछ टीमें झारखंड गई थी, जामताड़ा और गिरिडीह, और उन्हीं के कुछ पार्ट जो टीमें थी वो बंगाल भेजी गई थी। तो बंगाल की जो टीम है, बाकी और टीमों को भी सफलता मिली है। बंगाल की टीम को सबसे बड़ी सफलता मिली है कि उन्होंने एक जो साइबर कैफ़े की तर्ज पर पूरे 2-3 रूम लगा के और बड़े कोऑर्डिनेट तरीके से लोग अपने मोबाइल रखते हुए, पूरा स्टाफ लगाया हुआ था 22-25 लोगों का,